Hello students, and welcome to my channel Singh Creation Education. In today's video we are going to start a new chapter called chapter number 6 in sexual reproduction in flowering plants. Class 12th ka ye biology ka second chapter hai. Isse pehle chapter 1 already hum complete kar chuke hain. Agar aapne videos nahi dekhi hain to description box mein aapko chapter number 1 ki link mil jayegi. Aap ja kar ke use bhi zarur dekhiye taki aapko chapter number 2 acche se samajh mein aaye, because bahut sari si cheeze hain jo connect hoti hain directly to the chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल दोनों के बारे में, लेकिन चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि स्पेशली प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है. ओके, प्रॉपर आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाली हूं विद द बेस्ट नोट्स पॉसिबल फॉर योर नीट, एम्स एंड जिपमर 2020. अगर आप लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूं, तो आप लोग जानते हैं कि आपको अपने साथ एनसीईआरटी की बुक लेकर के बैठना है और एक नोटबुक लेकर के बैठनी है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है तो उसको आप नोट डाउन कर सके. उसके साथ साथ एनसीईआरटी लेकर के बैठिए, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी. अगर किसी वर्ड का आपको मतलब नहीं समझ में आता है तो वो भी आपको यहां पर समझ में आ जाएगा, बिकॉज मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए नीट, एम्स और जिपमर के लिए एनसीईआरटी इज द बाइबल. तो आपको एनसीईआरटी सबसे पहले करनी चाहिए. किसी भी टॉपर से जाके आप पूछ लीजिएगा कि आपका सक्सेस का राज क्या है, आपकी फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन कैसे आई है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो मेन यही कहते हैं कि स्पेशली फॉर द बायोलॉजी, केमिस्ट्री के लिए भी फिजिक्स के लिए भी, लेकिन मोस्ट स्पेशली फॉर द बायोलॉजी आपको एनसीईआरटी से स्टिक रहना है. काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़ें, हम किससे पढ़ें, हालांकि नोट से पढ़ें, एनसीईआरटी को 10 बार रीडिंग कर लें, रीडिंग करने के बाद भी चीजें समझ में नहीं आती हैं. तो गाइस सिर्फ रीडिंग नहीं, आपको एनसीईआरटी को डिकोड करना होगा. एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है वो समझना होगा और वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ. तो चलिए, पार्ट वन है ये. इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे इस चैप्टर के, जो कि आपको आगे का चैप्टर कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं पर्टिकुलरली इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ इस चैप्टर का और फ्लावर के बारे में बताने वाली हूँ कि फ्लावर क्या होता है. बिकॉज देखिए, नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है. क्लियर है बिल्कुल? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अभी तो ये हमारा सेकंड चैप्टर ही हो रहा है क्लास 12th का. इसके बाद हमारे पास और 14 चैप्टर्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं, प्लस 11th क्लास के चैप्टर्स भी हैं जो हमें पढ़ने हैं. तो आप लोगों को इस सफर में मेरे साथ बने रहना होगा, तभी आप लोगों को कोई ना कोई आउटकम मिलेगा. अदरवाइज अगर आप बीच बीच में आओगे चैनल को विजिट करने और बीच बीच में आप एक एक चैप्टर की एक एक लेक्चर को उठा उठा कर देखोगे, सोचोगे मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी कोर्स है सिलेबस कंप्लीट होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको शुरुआत से हमारे साथ बने रहना होगा. ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स की एक बार चेक कर लीजिए. अगर आपको नोट्स लेने हैं इस चैप्टर के, नोट से पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ऑफ माय अनअकैडमी प्रोफाइल. आप जाकर उसे ओपन करें, वहां से आप नोट्स नोट डाउन कर सकते हैं. सो गाइस, यहां पर शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी की पहली लाइन से. आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? आप खुद सोचिए. जी हाँ, हम बिल्कुल लकी हैं, बिकॉज जब प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तभी तो हमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलती है फ्लावर्स की, प्लांट्स की, राइट? द मेरिट्स ऑफ फ्लावर दैट वी एंजॉय गेजिंग एट, द सेंट्स, द परफ्यूम दैट वी स्वून ओवर, द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस, आर ऑल देयर इज एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो भी हम इंजॉय करते हैं फ्लावर के बारे में, जैसे कि हम इतने सुंदर सुंदर कलर अपने आसपास देख पा रहे हैं, वो कलर्स कहाँ से मिले हैं? इन्हीं फ्लावर्स से मिले हैं. इतनी प्यारी प्यारी फ्रेग्रेंस आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स में आजकल देखने को मिल रही है. देखो, आप सोप लेकर के आते हो, उसमें अलग फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है? आप एक अलग परफ्यूम लेकर के आते हो, उसमें अलग फ्रेग्रेंस है. तो ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही हैं? ये सभी जो फ्रेग्रेंस आ रही हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे परफ्यूम्स आते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी उनकी खुशबू होती है, वो सभी हमें फ्लावर्स की वजह से मिलती है, ठीक है? फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस. देखो, फ्लावर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं बन रहे हैं. वो इसलिए नहीं बने हैं कि आप आओगे और उनको तोड़ करके ले जाओगे, उनके जो फ्रूट्स हैं उनको लेकर के चले जाओगे. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फ्लावर्स जो यहाँ पर बने हैं वो अपनी वजह से बने हैं, अपने लिए बने हैं. एक आम का पेड़ जो है, मैंगो का जो प्लांट है, उस पर जो मैंगो लगते हैं, बड़े ही मीठे मीठे आम लगते हैं, वो सभी जो है आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए बनाता है, लेकिन वो आपको लालच देता है. आपको लालच दिया उसने, उसने कहा ये आम को आप खा लो, लेकिन एक कंडीशन है, इस आम को खाने के बाद इसकी गुठली को आप कहीं फेंक देना. जैसे आप उस गुठली को फेंकोगे, वहाँ पे वो आम का पेड़ जो है वो ग्रो हो जाएगा, एक नया पेड़ बन जाएगा. तो इससे क्या हुआ? सीड डिस्पर्सल हुआ, अलग अलग जगह पे सीड डिस्पर्स हो गया, ठीक है? और वहाँ पे नए नए आम के, जिसको आपने खाया उसका सीड फेंका, उसी चीज़ के प्लांट उग गए और प्लांट्स बन गए, ठीक है? ये हुआ एग्जाम्पल
कि जो फ्लावर्स है वो सिर्फ हमारी नीड के लिए नहीं, हमारी सेल्फिशनेस के लिए नहीं, वो अपने यूज के लिए बनते हैं। क्लियर? बिल्कुल। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक लोटस। लोटस का प्लांट आपने देखा है ना, रिलीजियसली जो ब्रह्मा होते हैं वो किसके ऊपर विराजमान होते हैं? लोटस। देखो हिंदू रिलीजन की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ, उसके अंदर जो हम कहते हैं ना कि ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा हैं, पूरे वर्ल्ड को बनाने वाले, पूरे इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा हैं, ठीक है? तो उनका वो किस पर विराजमान होते हैं, वो किस पर बैठते हैं? लोटस पे। किस पे बैठते हैं? लोटस पे। अब लोटस पे बैठने का क्या रीज़न है, ये सब देखो चीज़ें ना, हमारा रिलीजन चाहे हिंदू रिलीजन हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी रिलीजन हो, हम ऐसी बात कर देते हैं जिससे वो रिलीजन बढ़ जाते हैं, लेकिन सभी के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है कि जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया उसके बारे में जानना, ठीक है, उससे कनेक्ट होना। क्लियर है? बिल्कुल। तो लोटस के प्लांट पे, लोटस के फ्लावर पे ब्रह्मा इसलिए बैठते हैं बिकॉज लोटस के सीड की वायबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? जो सीड है लोटस का वो हजारों साल तक जी सकता है, 1000 ईयर्स तक कम से कम वो सर्वाइव कर सकता है, और ऐसा कहा भी जाता है कि हमारे कई सारे साल ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होते हैं। कितने दिन के बराबर होते हैं? एक दिन के बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि किस तरीके से चाहे कहीं पे भी कोई भी आपका बिलीफ हो, कोई भी रिलीजन हो, कैसे वहां पे साइंस अप्लाई हो रहा है, ठीक है? आप अगर देखो अपने आसपास, आपको बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। एक कॉमन मैन, एक आम आदमी के हिसाब से अगर आप उसे देखो तो वो बहुत ही फ्लावर सुंदर है, ठीक है? उस पर एक बटरफ्लाई आकर के बैठ रही है, बहुत ही अच्छी सीनरी दिख रही है। लेकिन अगर एक साइंस स्टूडेंट, एक डॉक्टर की नज़रिए से, एक ऐसे स्टूडेंट की नज़रिए से जो साइंस पढ़ रहा है, उसके नज़रिए से अगर आप देखोगे तो वो आपके लिए एक सुंदर फ्लावर नहीं है, ठीक है? वो एक अट्रैक्शन पॉइंट है। वो फ्लावर इतना कलरफुल क्यों है, इतना ब्राइट कलर्स क्यों है, इतना सुंदर क्यों है? ताकि वो अट्रैक्ट कर सके किसी इंसेक्ट को, वो इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठेगा, ठीक है? उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उस इंसेक्ट पे स्टिक हो जाएंगे, और फिर वो इंसेक्ट अगर किसी और फ्लावर के ऊपर जाकर के बैठेगा तो वहां पर उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो गिर जाएंगे, और इस वजह से क्या होगा, गैमीट ट्रांसफर कर गए, मेल गैमिट फीमेल गैमिट तक चला गया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। एक एक चीज के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, ठीक है? आगे चलते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है? जिसके अंदर भी फ्लावर आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर। कितने अलग अलग स्ट्रक्चर है, क्या सभी फ्लावर एक जैसे हैं? नहीं, सभी फ्लावर एक जैसे नहीं होते हैं। फ्लावर्स और फ्लावर्स के पार्ट्स भी एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सभी अलग अलग चीज़ों के होने के बावजूद ये देखा जाता है, इतनी एवोल्यूशन होने के बावजूद, इतनी अडेप्टेशन होने के बावजूद ये देखा जाता है कि दो चीज़ें तो बननी चाहिए। वो क्या है, क्या होना चाहिए? एक फ्रूट बनना चाहिए और सीड बनना चाहिए, इसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर है? इस चैप्टर के अंदर हम उसी चीज़ को जानेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी क्या है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अबाउट द एंजियोस्पर्म फ्लावर, एंजियोस्पर्म प्लांट के फ्लावर के बारे में, ठीक है? तो हम फ्लावर के बारे में जानेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे पार्ट वन में, जो कि हम अभी जानने वाले हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या आपने चैप्टर वन देखा है? बिल्कुल देखा है। तो अगर देखा है तो उसमें से आप मुझे बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस वेयर देयर इज टू इंडिविजुअल या फिर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या बनता है, एक जायगोट बनता है जो कि डिफरेंट होता है फ्रॉम द पेरेंट्स, क्लोन नहीं होता, कार्बन कॉपी नहीं होता, इसलिए वेरिएशन देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसके अंदर तीन स्टेजेस होती हैं। वो तीन स्टेजेस क्या होती हैं? पहला गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। गैमेट हमेशा एन कंडीशन में होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, दो एन मिलके मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलके 2n कंडीशन बनाते हैं, जिसे हम जायगोट बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। फिर आता है फर्टिलाइजेशन। जब ये मेल गैमेट एन कंडीशन, फीमेल गैमेट एन कंडीशन दोनों मिलते हैं, उसे बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बोथ गैमेट्स, ठीक है? और प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या बनता है, फ्यूजन होने के बाद जायगोट बनेगा। देन जायगोट डेवलप होगा आगे एम्ब्रियो में, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जिस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर है? अब फ्लावर के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो हम ऑलरेडी चैप्टर वन में पढ़ चुके हैं और मैंने थोड़ा बहुत आपको रिकॉल भी करवा दिया। अब हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है किसकी? एंजियोस्पर्म की, प्लांट की,
ठीक है. ह्यूमन बींग्स की काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होती है विद द फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल. आपको याद भी नहीं होगा, बहुत पुराने समय से ह्यूमन बींग्स की जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है फ्लावर्स के साथ, वो बहुत गहरा है. क्यों? बिकॉज फ्लावर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको एस्थेटिक वे में, ठीक है, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, सोशली, रिलीजियसली, किसी भी रिलीजन में, कल्चरल वैल्यू, इन सभी के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि हमारी जो फीलिंग्स है उन्हें कन्वे करने के लिए, हमारे इमोशंस को कन्वे करने के लिए हम इन पर्टिकुलर फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग फ्लावर्स का यूज़ करते हैं. वो फीलिंग्स क्या हो सकती हैं? लव, टू शो योर लव टू समवन, आप फ्लावर देते हो उनको. टू शो योर अफेक्शन, आप फ्लावर्स देते हो. अपनी हैप्पीनेस शो करने के लिए आप फ्लावर्स का यूज़ करते हो. ग्रीफ, मॉर्निंग, ठीक है, शोक बना रहे हो, किसी को लास्ट रिस्पेक्ट पे कर रहे हो, तो भी आप क्या दोगे? फ्लावर्स वहाँ पे रखोगे उनके रिस्पेक्ट में. तो फ्लावर ना ह्यूमंस के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच है, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है. हर एक जगह पे आपको फ्लावर की जरूरत पड़ेगी. शादी हुई, फ्लावर से डेकोरेशन हुआ. किसी की डेथ हो गई, फ्लावर से लास्ट रिस्पेक्ट पे किया. ठीक है, मैं तो सिर्फ दो ही एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे एग्जांपल हैं. आप किसी से किसी को पसंद करते हो, किसी से किसी के साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर करना चाहते हो, तो शुरुआत फ्लावर से करते हो. क्लियर है बिल्कुल. अब आपको ना यहाँ पर फ्लावर का स्ट्रक्चर देखना होगा. ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर. एक फ्लावर लिया, उसको बीच में से काट दिया गया है और उसी का डायग्राम है. उसका क्या है? ये डायग्राम है. ओके, शुरुआत करते हैं सबसे नीचे से. सबसे नीचे जो आपको ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एक एक्सेस दिख रहा है जिसे हम कहते हैं पेडिसिल. क्या कहेंगे इसे? पेडिसिल. पेडिसिल के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि गाइनोशियम होता है. क्या होता है? गाइनोशियम होता है. और उस गाइनोशियम के पास तीन चीजें होती हैं. ओवरी स्टाइल स्टिग्मा. क्या होता है? ये जो आपको यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ओवरी, ये ऊपर फिर ये स्टाइल जाता है और फिर ऊपर ऐसे स्टिग्मा जाता है जो आपको यहाँ देखने को ही मिल रहा है. क्लियर है बिल्कुल. तो ये हो गया आपका. अब ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये तीनों किसको शो करते हैं? पिस्टिल को. ठीक है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं और गाइनोशियम का यूनिट क्या होता है? पिस्टिल. क्लियर है मेरी बात? उसके बाद हम बात करेंगे ये जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ना, ठीक है, जो आपकी बहुत सुंदर सुंदर सी पेटल होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, उससे नीचे ना आपको ये जो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, किसका स्ट्रक्चर है ये? ये स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही, कैलिक्स. एक ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसका नाम है कैलिक्स. और कैलिक्स की यूनिट को हम बोलते हैं सेपल. ओके, अब सेपल से थोड़ा ऊपर आइए, सेपल से थोड़ा ऊपर आइए तो आपको देखने को मिलेगा पेटल. ठीक है, यहाँ पर नाम लिख लीजिए कोरोला. क्या लिखेंगे? कोरोला. अब इस कोरोला की यूनिट को हम बोलते हैं पेटल. ठीक है, बहुत ही ब्राइट होती है. ओके, ये जो हमें पंखुड़ियाँ दिखाई देती हैं, जो कि सेकेंड रिंग होती है. देखिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, एक फ्लावर जो है, जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो चार रिंग के बने होते हैं. पहली रिंग गाइनोशियम, दूसरी रिंग अब जानते हैं, बिल्कुल सही, यहाँ पर गाइनोशियम के बाद आएगा आपका कैलिक्स, देन कोरोला. देखिए, सबसे अंदर गाइनोशियम, उसके बाहर एंड्रोशियम, उसके बाहर कोरोला, सबसे बाहर कैलिक्स. क्लियर है मेरी बात? ठीक है, उसके बाद चलिए, हमने कैलिक्स कोरोला सब यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं. और हमने क्या डिस्कस किया है? गाइनोशियम. अब एंड्रोशियम क्या है मैम? ये एंड्रोशियम कहाँ से आया? ये आप देख पा रहे हैं ना, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये है फिलामेंट. और ये जो फिलामेंट के ऊपर ये लगा हुआ स्ट्रक्चर है ना, ये कहते हैं एंथर. और ये दोनों किस में आते हैं? ये दोनों, इन दोनों को एक साथ हम क्या कहेंगे? स्टेमन कहेंगे. क्या कहेंगे? स्टेमन कहेंगे, जो कि एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. क्लियर है बिल्कुल. सो नाउ कैलिक्स और कोरोला जो हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली भाग नहीं लेते हैं. दे आर द एक्सेसरी वॉल्स. ये सीधा सीधा रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेंगे, बट ये जो डेवलपिंग एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. क्लियर है बिल्कुल. इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अब ये आपके सामने ना फ्लोरल डायग्राम है, वो तो एक रियल फ्लावर का डायग्राम था. ये एक बनाया हुआ डायग्राम है, ड्रॉ किया हुआ डायग्राम है, जो कि आपको चीज़ों को थोड़ा आसानी से समझाएगा. शुरुआत करते हैं, ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला था, जो एक्सेस देखने को मिला उसे पेडिसिल कहते हैं. एक ये पेडिसिल है, इसके बाद ये जो ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, फूला हुआ स्ट्रक्चर, इसको रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस बोलते हैं. क्लियर है? उसके बाद सबसे अंदर कैलिक्स होगा. सबसे अंदर क्या होगा? कैलिक्स, जिसकी यूनिट को आप सेपल बोलते हो. उसके बाद उससे ऊपर बहुत ही ब्राइट सुंदर सी पंखुड़ियाँ होंगी, जिसे आप कोरोला बोलते हो, जिसकी यूनिट को आप पेटल बोलते हो. क्लियर है बिल्कुल. उसके बाद आएगा आपका एंड्रोशियम. क्या आएगा? एंड्रोशियम, जिसके अंदर आपको ये फिलामेंट देखने को मिल रही है और एंथर देखने को मिल रहा है. क्लियर है बिल्कुल. तो इन दोनों को, फिलामेंट और एंथर को, एक साथ बोलते हैं स्टेमन.
तो एंड्रोशियम की यूनिट क्या है? स्टेमेन, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा गाइनोशियम है, लास्ट में सबसे अंदर क्या होता है? गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जो है वहां पर आपके पास होगा पिस्टल। गाइनोशियम की जो यूनिट होती है उसे पिस्टल बोलते हैं, और पिस्टल के अंदर तीन चीजें होती हैं। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, ये जो स्टाइल है ये स्टिग्मा के ऊपर आके आपके पोलन ग्रेन जो है वो स्टिक होते हैं, देन आता है स्टाइल, और लास्ट में आता है ओवरी जो कि फर्टाइल पोर्शन है। क्या है? इट इज अ फर्टाइल पोर्शन ऑफ द प्लांट, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। क्लियर है बिल्कुल। सो जब फ्लावर में बड कंडीशन, जब देखो जब कोई फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो फ्लावर उससे कवर कर लेता है, उसे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है बिल्कुल। कोरोला जो होता है वो बहुत ही ब्राइट अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर होता है। कोरोला कौन सा है? पेटल वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कलरफुल होता है। ये बहुत ही कलरफुल होता है और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है फ्लावर का, गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। क्लास 11th का मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत अच्छे से मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हुई हैं, लेकिन क्योंकि हमने नया सेशन शुरू किया है तो इसके अंदर हम थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर्स में से भी यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है ना मेरी बात? बिल्कुल। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। जो आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है ये भी बिल्कुल वही सेम है जिसको हमने और सिंप्लीफाई करके आगे देख चुके हैं, तो आप लोग इस डायग्राम को भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है ये तो आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे तो आपको कुछ मतलब एक्टिविटी करने के लिए दी हुई है। जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर है, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स जो है मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली बहुत ही बड़े, इतने बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लास 11th में आपने इस पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है इन द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। ठीक है, तो वहां पे आपने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स देखे हैं जो आप यहाँ पर भी पढ़ चुके हो फिगर 2.1 में। ये जो फिगर है ना इसके अंदर इन्होंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है, तो इससे तो आपको समझ में कुछ आया नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन जो मैंने समझाया है आई होप आपको उससे थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। सो इट विल हेल्प यू टू रिकॉल पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। ओके, चलिए, कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन अ फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। कौन से वो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेवलप होती है? एंड्रोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट। क्लियर है ना बिल्कुल। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको नोट डाउन करनी है, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। ठीक है, सबसे छोटा फ्लावर कौन सा है? वोल्फिया। उसके बाद आते हैं सबसे बड़े फ्लावर पे, इट इज रेफ्लेशिया एर्नोल्डी। नेशनल फ्लावर इज न्यूलम्बो न्यूसीफेरा लोटस। ठीक है, उसके बाद एंथोलॉजी, कमल का फूल है ये। ठीक है, एंथोलॉजी यानी कि जब हम फ्लावर की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को बोलते हैं एंथोलॉजी। अब फ्लावर होता क्या है? फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। अगर किसी प्लांट के पास फ्लावर है इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, सो इट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फ्लावर कैसे बनते हैं? फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या होते हैं? फ्लावर आर द मॉडिफाइड शूट जिसके पास आपको नोड्स और इंटर नोड्स देखने को मिलेगी, जो कि किसके लिए होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए काम आती है। क्लियर है बिल्कुल। सो नोड्स क्या होती हैं? आप मेरे से आप पूछना चाहोगे मैम हमें नहीं समझ में आया नोड्स और इंटर नोड्स क्या होते हैं। देखिए, नोड्स क्या होती हैं? जहां से लीफ निकलती है। एक चीज आप देखिएगा, मैं यहाँ पर बना करके दिखाती हूँ। ये आपका एक स्टेम है, ये आपके बीच बीच में स्ट्रक्चर्स हैं जहां से लीफ निकल रही है। क्या निकल रही है? लीफ निकल रही है इस तरीके से। क्लियर है मेरी बात? तो ये जहां से आपकी लीफ निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और इन दोनों नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है इसे इंटर नोड कहते हैं। क्लियर? तो स्टेम में हमें नोड देखने को मिलती है क्योंकि स्टेम में हमें लीफ देखने को मिलती है, और रूट में लीफ जो है वो नहीं निकलती है तो उसमें हमें नोड नहीं देखने को मिलता है। दो नोड के बीच में जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं। सो नोड और इंटर नोड का मिलना स्टेम की खासियत होती है। ये दो नोड आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, तो बीच वाले स्ट्रक्चर को इंटर नोड कहते हैं। और नोड और इंटर नोड के मिलने के जो खासियत है वो किस में देखने को मिलेगी? स्टेम में देखने को मिलेगी। सो बेसिकली फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शूट, शूट मतलब स्टेम, रूट मतलब रूट। ठीक है, तो फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम का भाग होता है। क्लियरली क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए, तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आई होप। उसके बाद आगे चलते हैं,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आगे आपको देखने को मिलेंगे, फ्लावर्स ऑफ बैम्बू। जो बैम्बू स्पीशीज का फ्लावर होता है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही फ्लावर शो करता है। बेसिकली 50 से 100 साल का लाइफ टाइम लाइफ स्पैन होता है जिसमें सिर्फ एक बार ही रिप्रोडक्शन करता है, एक बार ही फ्लावर शो करेगा। नीला कुरिंजी यानी कि स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना जो कि 12 साल में एक बार फ्लावर शो करेगा, 12 साल में एक बार रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। कुछ बायपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल प्लांट एक्सेप्ट फॉर प्लांट जो कि क्या है, टेनिया और फेस्क्योला जीनस के प्लांट को छोड़ के बाकी सभी के अंदर आपको बायपेरेंटल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में, कि एक फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर क्या क्या होता है। द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। फ्लावर क्या है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसकी, एंजियोस्पर्म की, ठीक है। इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फ्लावर बनने का रीजन क्या है, फ्लावर इसलिए बना ताकि वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। इस ये ना सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ना सीधा शुरुआत कर दी गई है कि जो एंथर वगैरह के बारे में बताने से, लेकिन पहले आपको ये तो जानना जरूरी है ना कि कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम क्या होता है। तो वो चीज़ों का इंट्रोडक्शन मैं आपको इस पर्टिकुलर पार्ट वन में दे रही हूँ। आप लोग अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो प्लीज़ पूरी वीडियोस देखना, पूरे पार्ट्स देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर करती हूँ। क्योंकि जो आपके ये जो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें अगर आप एनसीईआरटी को भी फॉलो करोगे ना, बिल्कुल लाइन बाय लाइन फॉलो करोगे, तो बहुत बड़ा पोर्शन आप कवर कर लोगे। इसमें आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी रेफरेंस बुक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो अ टिपिकल फ्लावर, एक टिपिकल फ्लावर के अंदर मोस्ट जनरली कितने होते हैं, 4 डिफरेंट तरीके के वोल्स होते हैं, ठीक है। 4 डिफरेंट तरीके के वोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ये कुछ रिंग्स होती है। वी सी 4 टाइप्स ऑफ रिंग्स इन टिपिकल फ्लावर, ठीक है, जो कि ये रिंग जो है एक के ऊपर एक सक्सेसिवली अरेंज होती हैं। जिस फ्लावर के स्टॉक पे ही अरेंज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिसिल, कुछ इस तरीके से था ना, कुछ इस तरीके से ये क्या था, पेडिसिल था आपका, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर एक्सेस। और उसके साथ साथ इस, ये पेडिसिल हो गया, यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ना, फूला हुआ स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, इसको थैलेमस बोलते हैं, क्लियर, बिल्कुल। द स्वोलन एंड, ठीक है, जो फूला हुआ स्ट्रक्चर जो होता है किसका, पेडिसिल का, उसे हम थैलेमस बोलते हैं। ये पेडिसिल है, ये पेडिसिल का एंड है, इस एंड से शुरू होता है एक फूला हुआ स्ट्रक्चर जिसे हम थैलेमस बोलते हैं। दीज 4 स्ट्रक्चर्स आर, अब आपको कहा गया है यहाँ पे 4 डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किस पे प्लेस होते हैं, एक पेडिसिल पे प्लेस्ड होते हैं, पेडिसिल के ऊपर थैलेमस से फूला हुआ स्ट्रक्चर जिसके ऊपर वो प्लेस्ड है। अब वो 4 स्ट्रक्चर क्या है, कोई आपसे ये पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पे कहेंगे कि वो 4 स्ट्रक्चर है कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। थैलेमस के ऊपर पहला रिंग बना हुआ होता है उसे हम कैलेक्स कहते हैं, ठीक है, जिसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। कैलेक्स एंड कोरेला जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं रिप्रोडक्शन में, वो एक्सेसरी ऑर्गन्स का काम करते हैं। क्यों, बिकॉज यहाँ पे कैलेक्स और कोरेला का मेन काम होता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। वो एक कवरिंग बना लेते हैं, कवर्स ऐसा बना लेते हैं जिससे कि क्या होता है, जिससे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक प्रोटेक्शन मिलती है। तो इसीलिए हमने कैलेक्स और कोरेला को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव फ्लावर, क्लियर है, बिल्कुल। ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना, ओके। उसके बाद कई ऐसे फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि अगर मेन में बात करूँ तो मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे मोनोकॉट की, ठीक है। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। 4 रिंग होती हैं, 4 रिंग होती हैं, एक सेकेंड मैं आप लोगों को समझाना ही चाहूँगी सीधा, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका कुछ इस तरीके से, चलो डायग्राम बना लेते हैं। ये है आपका पेडिसिल, पेडिसिल के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट है थैलेमस। अब इस थैलेमस में मैंने क्या कहा था, थैलेमस के एंड से ही आपकी चारों रिंग बननी शुरू होती है। फर्स्ट रिंग जो है उससे निकलती है ये ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हो कैलेक्स, क्या कहते हो, कैलेक्स। और इसके किसको कहते हो, इसके यूनिट को कहते हो सेपल, क्लियर है ना मेरी बात, बिल्कुल। ये आपका पेडिसिल है और ऊपर वाला जो स्वोलन स्ट्रक्चर है ये थैलेमस है, क्लियर है मेरी बात, बिल्कुल। उसके बाद अब यहाँ पे कैलेक्स तो बन गया, अब सेकेंड रिंग आई, 4 रिंग है ना टोटल। पहली रिंग में कैलेक्स, सबसे बाहर कैलेक्स, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। उसके बाद आती है सेकेंड रिंग, सेकेंड रिंग में क्या बनेगा आपका, कोरोला बनेगा, क्या बनेगा, कोरोला बनेगा, क्लियर है मेरी बात, बिल्कुल, ठीक है। ये क्या है, कोरोला, जिसको हम पेटल बोलते हैं। ये ना बहुत ही कलरफुल होता है, ब्राइट स्ट्रक्चर होता है, कलरफुल स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, ये सेकेंड रिंग में प्रेजेंट होता है, जिसे हम कोरोला कहते हैं, इसकी यूनिट पेटल होती है। उसके बाद क्या बनेगा, कोई बता सकता है उसके बाद क्या बनेगा? थर्ड रिंग में आपका एंड्रोशियम बनेगा। क्या बनेगा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है? ये आपके एंथर है और ये आपका फिलामेंट है। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल। सो थर्ड रिंग में बनेगा एंड्रोशियम, इसकी यूनिट क्या होती है? ये एंथर और फिलामेंट को एक साथ मिलाकर बोलते हैं स्टेमेन। क्लियर है मेरी बात? अब लास्ट में सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सबसे अंदर प्रेजेंट होता है आपका गाइनोशियम, जो कि फोर्थ लिंक पे प्रेजेंट होगा। और वो कहाँ प्रेजेंट होगा? वो कुछ इस जगह पे प्रेजेंट होगा। बना दें यहाँ पर, चलिए बना देते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका गाइनोशियम है और गाइनोशियम की यूनिट को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। एंड्रोशियम की यूनिट को बोलते हैं स्टेमेन, गाइनोशियम की यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल। तो अगर आपसे कोई सीक्वेंस पूछ ले अंदर से बाहर, ऑर्डर अगर आपसे कोई पूछ ले, तो आपको याद रहना चाहिए अंदर से बाहर सबसे पहले होता है गाइनोशियम, देन होता है आपका एंड्रोशियम, उसके बाद होता है आपका कोरोला यानी कि पेटल्स, देन आपकी सेपल्स यानी कि कैलिक्स। और अगर बाहर से अंदर कोई पूछ ले तो इसका बिल्कुल अपोजिट, सबसे बाहर कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम। क्लियर है बिल्कुल? तो ये याद रखिएगा, सबसे अंदर गाइनोशियम प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखिए मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। एंड्रोशियम की यूनिट जब स्टेमेन होती है तो स्टेमेन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टेमेन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंथर और फिलामेंट। एक एक के बारे में पढ़ूंगी, जब आपको एंड्रोशियम, सिर्फ एंड्रोशियम पढ़ाऊंगी ना, तब बताऊंगी एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है। हालांकि स्ट्रक्चर में आप ऑलरेडी देख चुके हो। और उसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है गाइनोशियम, वो डिवाइडेड होता है तीन पार्ट्स में। वो तीन पार्ट क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है गाइनोशियम की? कार्पल या फिर पिस्टिल। क्लियर है मेरी बात? सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनता है। जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें जो फ्लावर होते हैं वो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। क्लियर है मेरी बात? ये चीज समझ में आ गई आपको? अब देखिए कई ऐसे फ्लावर्स होते हैं, ऐसे कि अगर मैं बात करूं तो मोनोकॉट्स के बारे में। अब मोनोकॉट्स क्या होते हैं ये भी बात कर लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्म में दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है, एक है मोनोकॉट, एक है डाइकॉट, ठीक है। सो मोनोकॉट वाले कौन से होते हैं? मोनोकॉट वाले वो फ्लावर्स होते हैं जिनके एम्ब्रियो में सिर्फ एक सिंगल कॉटिलेडन होता है, ठीक है। और डाइकॉट वो होते हैं जिनमें डाई मतलब टू, मोनो मतलब एक, तो जिसमें एक कॉटिलेडन होगा, जिनके एम्ब्रियो में एक कॉटिलेडन होगा वो मोनोकॉट कहलाएंगे, जिनके एम्ब्रियो में दो कॉटिलेडन होंगे वो डाइकॉट कहलाएंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में होगा, मैम मुझे नहीं समझ में आया कॉटिलेडन क्या है, आपने एक और दो तो समझा दिया लेकिन ये कॉटिलेडन क्या है? देखिए आप बस इतना समझ लीजिए, हालांकि इस चैप्टर में इन सब चीजों का मतलब नहीं है, लेकिन चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉटिलेडन एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट एक फ्लैशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फूड स्टोर होता है, उस फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर को हम कॉटिलेडन कहते हैं, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर आप एक मूंगफली को देखें, मूंगफली को आप एक तरीके से उसका छिलका उतार दें, और छिलका उतारने के बाद जब आप उसे खोल करके देखेंगे तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो वो क्या हुई? वो डाइकॉट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर दो कॉटिलेडन्स थे तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। लेकिन अगर आप एक ग्रेन व्हीट के गेहूं का दाना देखें, आप एक चावल का दाना देखें, तो क्या आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बीच में से? नहीं। तो मोनोकॉट के अंदर जो कैलेक्स और कोरोला जो होते हैं वो अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं, एक साथ एक यूनिट बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पेरियंथ ऑफ द फ्लावर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ठीक है, मोनोकॉट फ्लावर के अंदर जो कैलेक्स और कोरोला वो दोनों ही अलग अलग नहीं समझ में आते हैं, दोनों ही एक साथ प्रेजेंट होते हैं, और जब वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो एक टर्म, सॉरी एक यूनिट बनाते हैं, जो क्या होती है, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पेरियंथ ऑफ द फ्लावर। क्लियर है बिल्कुल? अब आपको दो तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं, एक हो गया बाइसेक्सुअल, एक हो गया यूनिसेक्सुअल। देखो पेरियंथ की जो यूनिट होती है, पेरियंथ की जो यूनिट होती है उसे हम टेपल कहते हैं, प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? जब फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? तो वो फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा, विच मींस मेल और फीमेल यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट हैं सेम फ्लावर के ऊपर, तो वो फ्लावर कहलाएगा बाइसेक्सुअल, ठीक है। अगर एक ऐसा फ्लावर है जिसके पास या तो सिर्फ क्या है,
स्टेमन यानी कि एंड्रोशियम है या फिर सिर्फ कार्पल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि गाइनोशियम है तो उसे हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। अगर कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है या तो एंड्रोशियम या फिर गाइनोशियम तो वो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और अगर दोनों ही प्रेजेंट है एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम भी तो उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर सिमेट्री के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप सिमेट्री करते हो, डिवाइड करते हो किसी भी फ्लावर को, तो उसे हम क्या कहते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जो चैप्टर था उसके अंदर आप ऑलरेडी देख चुके हो ये सिमेट्री के बारे में, तो उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। तो सिमेट्री में एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, ये दो सिमेट्री आएंगी। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक कौन सी होती है? ऐसे फ्लावर जिनको किसी भी प्लेन से आप काटोगे, ठीक है, और वो दो इक्वल हाफ में बट जाएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम रेडियल सिमेट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री। ओके, देखो कुछ इस तरीके से है, मैं आपको बनाकर ही दिखा देती हूँ एक डायग्राम। एक बात बताइएगा कि ये आपका क्या है, फ्लावर है। ठीक है, ये आपका फ्लावर है, आप इसको यहाँ से भी काटो यहाँ से भी काटो दोनों तरीके से, यानी कि एक से ज़्यादा आप उसको किसी भी प्लेन से काटो वो दो पार्ट्स में ही डिवाइड हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है दो पार्ट्स में डिवाइड? ठीक है, तो ये हो गया रेडियल सिमेट्री, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, चाहे आप किसी भी एक्सिस को लेकर के उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, तो ऐसी सिमेट्री को बोलते हैं, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इसका फ्लोरल फॉर्मूला में बहुत अच्छा यूज होता है, बहुत ही अच्छा सिंबल है जो कि आपको याद भी हो जाएगा इजीली कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन से होते हैं। ये ऐसे फ्लावर होते हैं जिसे सिर्फ एक ही प्लेन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का कि अगर आपका कुछ इस तरीके का ये प्लांट है, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका प्लांट है, आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो अगर आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ से करोगे तो क्या ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे फ्लावर में जिसमें सिर्फ एक ही प्लेन से आप उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाओ तो उसमें आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, और उन्हें हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल। ठीक है, तो जाइगोमॉर्फिक का सिंबल ये होगा और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का सिंबल ये होगा जो कि आपके फ्लोरल फॉर्मूला में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन के तरीके से देख लेते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वो होते हैं, दे आर द फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल रेडियल हाफ, तो इक्वल हाफ्स में उसे डिवाइड कर सके हम किसी भी एक पोर्शन को, मान के यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर जगह से वो दो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे फ्लावर को बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, दतुरा और चिली, ये सभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, एक भी एग्जाम्पल बाहर से नहीं है, तो आप जानते हैं कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं जाइगोमॉर्फिक पे। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू सिमिलर हाफ, जब हम एक फ्लावर को दो इक्वल हाफ्स में, दो एक जैसे सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर सकें लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन से, यानी कि अगर हम इस फ्लावर को, हमने अभी बनाया था ना, इसको अगर हमें डिवाइड करना है तो ऐसे ही डिवाइड कर सकें, अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये हाफ में डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ एक ही प्लेन से उसे हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, एग्जांपल है पी, गुलमोहर, बीन, केशिया, और इसका डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला में क्या था इसका सिंबल, परसेंटेज वाला। ठीक है, उसके बाद आते हैं एसिमेट्रिक। अब ये एसिमेट्रिक क्या होते हैं आप ये भी जान लीजिए। जनरली अ फ्लावर इज अ एसिमेट्रिक और इरेगुलर। ठीक है, एक फ्लावर एसिमेट्रिक और इरेगुलर तब कहलाता है जब उसे हम दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड ना कर पाए। ठीक है, अगर हम उसे दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे किसी भी प्लेन से तो उसे कहेंगे, क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्री नहीं हो पाएगी इसकी। एग्जांपल है कैना। ठीक है, तीनों के एग्जांपल याद हो जाएंगे, लिख लिए ना एग्जांपल। चलिए, अब फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। एक फ्लावर जो है वो ट्राइमेरस होगा अगर उसके अंदर तीन सेपल और तीन पेटल्स प्रेजेंट होंगी। जनरली क्या होता है, फ्लावर में एक ही समान देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि जितने पेटल हैं उतने ही आपको सेपल देखने को मिलेंगे। जनरली, हमेशा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जनरली जितने पेटल उतने ही सेपल देखने को मिलेंगे। तो अगर तीन पेटल तीन सेपल हैं तो क्या होगा, वो ट्राइमेरस, अगर चार हैं तो टेट्रामेरस, और अगर पांच है तो पेंटामेरस। ठीक है, तो फ्लोरल अपेंडेजेस जो होते हैं उनका सीक्वेंस जब अगर तीन चार या पांच तरीके से होगा तो उसे हम, अगर तीन का होगा तो ट्राइमेरस, चार का टेट्रामेरस और पांच का तो पेंटामेरस। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल। ठीक है, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि फ्लावर में कई बार पेडिसिल के ऊपर उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं।
समझ लीजिए ये पेडिसिल है, ठीक है, पर ये थैलेमस है आपका, ये आपका कैलेक्स है यहाँ पर, उसके बाद आपका ये कोरोला है, यही स्ट्रक्चर था ना, देन आपका ये एंड्रोशियम है, देन आपका लास्ट में ये क्या है, गाइनोशियम है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो आपका पेडिसिल वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको कुछ कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, कुछ उभरा हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, मतलब एक रिड्यूस्ड लीफ आपको देखने को मिल रही है जो पेडिसिल के बेस पे दिखाई पड़ती है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रैक्ट। क्या बोलेंगे इसको, ब्रैक्ट क्या होता है कि फ्लावर में कई बार पेडिसिल के ऊपर उभरा हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जिसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। डायग्राम समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। नाउ एक रिड्यूस्ड लीफ जब वहां पे आपको देखने को मिलेगी जो पेडिसिल के बेस पे दिखाई पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट। उस स्ट्रक्चर को ब्रैक्ट कहते हैं और उसकी लीव्स को क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट कहते हैं। लिखा होगा यहाँ पर, चलो शायद नहीं लिखा हुआ है, आप याद रखिएगा, ब्रैक्टिएट कहते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, फ्लोरल विद ब्रैक्ट्स, जिन फ्लावर्स के पास ब्रैक्ट होगा उनके पास रिड्यूस्ड लीफ देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, रिड्यूस्ड लीफ आपको देखने को मिलेंगी जो पेडिसिल के बेस पे प्रेजेंट होंगी और उन्हें हम कहेंगे ब्रैक्टिएट, ठीक है। और ऐसे फ्लावर जिसके पास ब्रैक्ट नहीं होंगे उन्हें हम कहेंगे ई ब्रैक्टिएट। मेरी बात क्लियर हो गई है। सो ब्रैक्ट आर ग्रीन कलर, ठीक है, साफ सीधी बात है, लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन रिड्यूस लीफ स्ट्रक्चर, तो ग्रीन कलर के होते हैं जो कि पेडिसिल के बेस पे प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम कहते हैं ब्रैक्टियोल्स। क्लियर है मेरी बात बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं एपिकैलिक्स पे। अब ये एपिकैलिक्स क्या होता है, देखो ब्रैक्टियोल्स आप पढ़ चुके हो, स्केली अपेंडेजेस जो हमें पेडिसिल के ऊपर देखने को मिले, ठीक है, पेडिसिल है यहाँ पर आपको ये जो ब्रैक्टियोल्स जो देखने को मिल रहे हैं ना, ये क्या है, ये सभी ब्रैक्टियोल्स हैं, दे आर ब्रैक्टियोलेटेड। जब जिसके पास ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होंगे उन फ्लावर्स को कहेंगे ब्रैक्टियोलेटेड फ्लावर। जब ये जो आपका पेडिसिल है इसके ऊपर आपके क्या बने हुए हैं, ब्रैक्टियोट बने हुए हैं। जब ये ब्रैक्टियोट कैसे बने होंगे, ये आपकी पेडिसिल हो गई और ये जो आपके ब्रैक्टियोज बने हुए हैं ये एक स्ट्रक्चर इस पूरे पेज तरीके से रिंग बना लेंगे, उस तरफ भी ऐसे होंगे, रिंग बना लेंगे। तो क्या होगा, व्हेन देयर इज अ रिंग इन ब्रैक्टियोल, जब एक रिंग बन जाती है इन ब्रैक्ट स्ट्रक्चर्स की, तो उसे हम बोलते हैं एपिकैलिक्स। एपी मतलब बाहर, ठीक है, कैलिक्स से बाहर, कैलिक्स सबसे बाहर का स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, उससे भी बाहर अगर कुछ है तो वो होगा एपिकैलिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेंबर्स ऑफ मालवियसी फैमिली। अब देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई है जो आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होते हैं, एपिगाइनस फ्लावर क्या होते हैं और पेरीगाइनस फ्लावर क्या होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं कि हाइपो कौन से होते हैं और एपी कौन से होते हैं, पेरी कौन से होते हैं। देखिए, ये सभी जो आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे सभी के सभी गाइनोशियम के रिस्पेक्टिव में होंगे, ठीक है। गाइनोशियम के रिस्पेक्टिव में कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, इन सभी की पोजीशन क्या है, ठीक है, उसे हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ओके। अब आप एक बात मेरी ध्यान दीजिएगा, गाइनस मतलब फीमेल पार्ट, यानी कि गाइनोशियम। तो फीमेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट गाइनोशियम होता है। गाइनोशियम के अंदर क्या होता है, ओवरी होता है, ठीक है। तो इसलिए ओवरी किसके अंदर है, गाइनोशियम के अंदर। उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि सुपीरियर ओवरी होगी या फिर हाफ इंफीरियर या फिर इंफीरियर ओवरी, ठीक है। तो बात करते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर की। हाइपोगाइनस फ्लावर कौन से होते हैं, इनके अंदर क्या होगा, इन द हाइपोगाइमस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट पोजिशन, यानी कि आपका जो क्या बोलते हैं, ये पेडिसिल हो गया, ठीक है, उसके बाद ये थैलेमस हो गया और यहाँ पर सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर होगा गाइनोशियम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसके नीचे से बाकी सारे स्ट्रक्चर बनने शुरू होंगे, जैसे कि ये आपका कैलिक्स, ये आपका कोरोला, ठीक है, ये आपका एंड्रोशियम। ये सभी क्या है, ये इसके नीचे से बनने शुरू हुए हैं, विच मीन्स लोअर टू फीमेल पार्ट। तो इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब क्या होता है, क्या कोई बता सकता है मुझे, हाइपो का मतलब होता है लोअर, ठीक है, हाइपो का मतलब होता है लोअर और गाइनस मतलब गाइनोशियम। तो गाइनोशियम से नीचे जब बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनते हैं, मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें गाइनोशियम से नीचे बाकी सारे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम ये सब बनेंगे, उसे हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं, ठीक है। विच मीन्स गाइनोशियम जो है वो हाइएस्ट पोजिशन पे होगा, जबकि बाकी के जो दूसरे पार्ट्स होंगे वो गाइनोशियम के नीचे होंगे। जब गाइनोशियम के नीचे होंगे तो गाइनोशियम सबसे ऊपर है, फीमेल पार्ट सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर होने की वजह से जो ओवरी है वो सुपीरियर कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, सुपीरियर कहलाएगी। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो गाइनोशियम है यहाँ पर, ठीक है, और सारी चीज़ें गाइनोशियम से नीचे से शुरू हो रही हैं,
ठीक है, तो इसमें कैसी कहलाएगी, सुपीरियर ओवरी। क्लियर है मेरी बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, सभी के सभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। फिर हम चलते हैं एपीगाइनस फ्लावर की तरफ। एपीगाइनस फ्लावर, इन एपीगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एंड क्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थैलेमस का, ये आपका पेडिसिल है, इसमें जो आपका थैलेमस है वो स्वोलन नहीं बल्कि कुछ इस तरीके का बन जाता है कि जो आपकी क्या बोलते हैं गाइनोशियम है उसके अंदर धस सके, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर बन सके, वो क्या होगी, वो अंदर होगी। और फिर यहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं फ्लावर के वो यहाँ से बनने शुरू होंगे। तो देखिए ये तो अंदर की तरफ है और इससे ऊपर सारी चीज़ें बन रही हैं फ्लावर की, गाइनोशियम से अंदर है और फिर उसके गाइनोशियम के ऊपर से बनने शुरू हुए हैं कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोशियम। ठीक है, इसके ऊपर से बनने शुरू हुए हैं तो ऐसी चीज़ को बोलेंगे एपी। एपी का मतलब अपर साइड। ठीक है, जो फीमेल पार्ट है उससे ऊपर होंगे बाकी के सारे स्ट्रक्चर। ऐसे फ्लावर जिनमें जो आपके बाकी के जो फ्लावर के स्ट्रक्चर हैं कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम से ऊपर होंगे। एपी मतलब ऊपर, गाइनस मतलब गाइनोशियम, तो गाइनोशियम से ऊपर जब ये सारे पार्ट्स बनेंगे उसे हम कहते हैं एपीगाइनस फ्लावर। ठीक है, इन एपीगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी, ठीक है, ताकि वो कंप्लीटली कवर कर ले, क्या कर ले, कंप्लीटली ओवरी को कवर कर ले एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराइज। ठीक है, ताकि वो कवर हो जाए और बाकी के पार्ट्स जो हैं फ्लावर्स के वो उसके ऊपर से बनने शुरू हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ओवरी देखने को मिलेगी वो कैसी ओवरी देखने को मिलेगी, इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके से तो था, यहाँ पर आपकी ओवरी आ गई थी, तो इन्फीरियर मतलब अंदर की तरफ। एग्जाम्पल गुआवा, कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। जो सनफ्लावर है ना आपका, वो सनफ्लावर अगर आप मेरी बात माने तो सनफ्लावर पूरा का पूरा फ्लावर नहीं है, वो एक इनफ्लोरोसेंस है। ठीक है, वो एक इनफ्लोरोसेंस है। अब आते हैं पेरीगाइनस। हमने अगर गाइनोशियम सबसे ऊपर होगा उसके नीचे से बाकी पार्ट्स होंगे तो हाइपोगाइनस, अगर गाइनोशियम अंदर होगा अंदर की तरफ और बाकी के सारे पार्ट्स जो हैं कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम वो ऊपर की तरफ से बनने शुरू हुए हैं तो एपीगाइनस। अब ये पेरीगाइनस क्या है, पेरीगाइनस का मतलब है जब मिडल पार्ट्स हैं। एक बार डायग्राम देख लें एपीगाइनस का। देखो यहाँ पर देखो, ये है आपका एपीगाइनस का डी वाला है डायग्राम, एनसीईआरटी में है ना ये डायग्राम, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही आपकी ओवरी, गाइनोशियम फीमेल पार्ट जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है और थैलेमस ने उसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। ठीक है, और उसके ऊपर से बाकी चीजें बन रही है कैलेक्स, ये आपका कोरोला, ये आपका क्या है एंड्रोशियम। क्लियर है बिल्कुल। अब आते हैं पेरीगाइनस पे। पेरीगाइनस मतलब मिडिल में, पेरीगाइनस मतलब मिडिल में। जब मिडिल में ये सब चीजें शुरुआत बननी शुरू होती है, ये आपकी है गाइनोशियम, तो देख सकते हैं ये मिडल पार्ट हो गया, यहाँ से बनना शुरू हुआ, ये मिडल पार्ट हो गया। जब इसके बीच से, ना तो ऊपर से ना तो नीचे से, बीच से जब बनने शुरू होंगे ये स्ट्रक्चर तो उसे बोलेंगे पेरीगाइनस। क्लियर है मेरी बात। इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, गाइनोशियम सेंटर में प्रेजेंट है और जो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो उसके मिडल से बनने शुरू हो रहे हैं, थैलेमस के मिडल से बनने शुरू हो रहे हैं ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, तो उसे हम पेरीगाइनस कहते हैं। और यहाँ पे आपकी ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है, क्यों, बिकॉज आधी अंदर होती है आधी बाहर होती है, इन्फीरियर मतलब अंदर। एग्जाम्पल प्लम, रोज एंड पीच। ठीक है, अब हम देखते हैं द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, कंबाइन कर ले, कोप अप कर ले, लास्ट में कंक्लूजन रख लेते हैं। तो क्या क्या पार्ट्स हमने देखे फ्लावर के एक्सिस में, पेडिसिल देखा और थैलेमस देखा। फ्लावर के एक्सिस में ये पेडिसिल और ये थैलेमस, इस थैलेमस के ऊपर एक लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको हमने क्या कहा, कैलेक्स कहा। ठीक है, इस कैलेक्स के ऊपर आपको थोड़ी ब्राइट कलरफुल स्ट्रक्चर देखने को मिला जो पेटल थी, जिसे हमने कोरोला कहा, जिसे हमने क्या कहा, कोरोला कहा। अब कोरोला के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कोरोला के यहाँ पर उसके बाहर, यानी कि कोरोला के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंड्रोशियम प्रेजेंट है। एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें ये फिलामेंट है और ये एंथर है और दोनों की यूनिट को एक साथ मिलकर बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, और उसके बाद सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है, गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होता है। क्लियर है मेरी बात। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक बार वापस से एक बार डेफिनेशन की तरह आपको बताना चाहूंगी, दैट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, पेडिसिल क्या होता है, पेडिसिल इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, जो ये एक्सिस आपको देखने को मिलता है, जो थैलेस नहीं होगा थैलेमस होगा यहाँ पर, जो थैलेमस होता है इट इज स्टेम पोर्शन ऑफ द फ्लावर विच इज फाउंड एट द बेस। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, द इंटरनोड्स आर शॉर्ट विद लेस नंबर ऑफ लीव्स, हेंस द रिसेप्टिकल इज यूजुअली नॉट द लार्जेस्ट पार्ट। यहाँ पर जो इंटरनोड्स होती हैं वो छोटी होती हैं, लीव्स से छोटी होती हैं, कम नंबर में होती हैं, इसलिए जो हमारा थैलेमस होता है उसको लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर नहीं कहा जाता है। सेपल्स, सेपल्स की जो कलेक्शन होती है
यानी कि सेपल्स किसकी यूनिट है, कैलेक्स की यूनिट है, ठीक है। सो दे आर द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर कैलेक्स प्रेजेंट होता है, ओके। सो दैट आर यूजुअली बट नॉट ऑलवेज ग्रीन, यूजुअली ज्यादातर ही ग्रीन स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है, बट नॉट हमेशा, ओके। नाउ दे हैव अ लीफ लाइक अपीयरेंस, इनकी लीफ की तरह ही अपीयरेंस होती है और इन्हें हम क्या कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं। इनका मेजर एडवांटेज क्या है, दैट दे हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर पार्ट्स ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर और द बर्ड, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि ये एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं कैलेक्स और कोरोला, ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम को प्रोटेक्ट करते हैं। पेटल्स की बात कर ले, पेटल्स की यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सॉरी कोरोला की यूनिट को क्या बोलते हैं, पेटल। सो द कलेक्शन ऑफ पेटल, जब बहुत सारी पेटल्स मिलती हैं तो उसको बोलते हैं कोरोला। दीज आर द लार्जर देन द सेपल, ये सेपल से बड़ी होती हैं एंड ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सेपल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होता है, कैलेक्स, उसके ऊपर कोरोला, उसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल सही, एंड्रोशियम, सबसे अंदर गायनोशियम, ठीक है। पेटल्स आर यूजुअली कॉल्ड एज कोरोला विच इज द अट्रैक्टिव, ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इंसेक्ट, ठीक है। जब इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक करेंगे तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, वाइल अट्रैक्टिंग जो स्पेसिफिक इंसेक्ट जिसको उन्हें अट्रैक्ट करना है, सिर्फ उसी इंसेक्ट के लिए वो यहाँ पर स्पेसिफिक रहते हैं, क्लियर है बिल्कुल। और किस वजह से, कैसे अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर, बहुत ही अच्छे कलर्स के होते हैं, ब्राइट कलर्स के होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है। और जब वो उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो वो एक प्रोसेस कहलाएगा पॉलिनेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब जो लीफ लाइक ऑर्गन्स हैं, सेपल्स और पेटल, जब ये एक साथ प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, तो उसे हम पेरियंथ ऑफ फ्लावर कहते हैं। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो, बस आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। कार्पल्स, दे आर लोकेटेड इन द अपर सेंटर ऑफ अ फ्लावर, कार्पल कहाँ होते हैं, ये फ्लावर के अपर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं और यूजुअली वन या वन से ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे। कार्पल को यहाँ पर गायनोशियम कहा जाता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी इज द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द कार्पल एंड इज अ रीजन विच इज एनलार्ज्ड एट द बॉटम एंड नैरो एट द टॉप, ठीक है। ये क्या है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ से तो बड़ा होता है और यहाँ से एक बहुत ही पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वही बताया हुआ है ना, नैरो एट द टॉप, ठीक है। और इसके पास, ओवरी के पास क्या होते हैं, ओवरी के पास ओव्यूल्स होते हैं, इट इज द मेन फर्टिलिटी एरिया, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद स्टाइल, स्टाइल क्या होती है, इट इज अ स्लेंडर नेक लाइक पोर्शन, ये आपकी ओवरी, ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल सही, स्टाइल हो गया और ऊपर स्टिग्मा हो गया, तो ये नेक लाइक स्ट्रक्चर क्या है, इट इज अ स्टाइल। उसके बाद स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये स्टिग्मा है, इसको ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है ना, समझ में आता है ना, ठीक है। फिर आते हैं स्टेमेन, स्टेमेन के अंदर दो पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक एंथर और एक फिलामेंट, ठीक है। स्टेमेंस आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो कि पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ें बहुत डिटेल में दी हुई है एनसीईआरटी में भी, और वहाँ पर भी हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक जनरली आइडिया आपके पास होना जरूरी है कि कौन सी चीज़ क्या होती है फ्लावर के अंदर, ठीक है, क्लियर है मेरी बात बिल्कुल। सो ओके, अब यहाँ से अब हम शुरुआत करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की, कि एंथर कैसे बनता है। देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का बनना, ठीक है, कैसे बनेंगे वो सब किस में आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, और डायरेक्टली दे दिया गया था। ये फ्लावर के बारे में तो इतना बताया ही नहीं गया था जितना मैंने आपको बताया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, क्लास 11th में दी हुई है लेकिन 12th में नहीं दी हुई है, तो आपको इनको कनेक्ट करना होगा आपस में, जो मैंने आपके लिए कर दिया है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, पार्ट सेकंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आप कुछ दिनों बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप आज ही देख रहे हैं तो कल तक इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड हो जाएगा, ओके। सो गाइस, विद दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।